जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड राज्य में नैनीताल जिले के रामनगर के पास यह नेशनल पार्क बसा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। आदमखोर बाघों की शिकार करने वाले मशहूर शिकारी और आगे जाके कंजर्वेशनिस्ट बने जिम कॉर्बेट के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया था, जिन्होंने इस पार्क की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। धनगढ़ी गेट यहाँ का सबसे प्रख्यात एंट्री पॉइंट है, जहाँ पे विजिटर सेंटर और सुवेनियर शॉप भी है। इस गेट से सुबह 10 बजे एंट्री करके हम अपने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पहुँच सकते हैं। सैलानियों का सबसे पसंदीदा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस ढिकाला है, जो कि धनगढ़ी गेट से लगभग 31 किलोमीटर दूर है, और यह दूरी तय करते हुए आप प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। ऑन द वे आपको बीच बीच में रामगंगा नदी के दर्शन होंगे। यही नदी इस पूरे नेशनल पार्क की लाइफलाइन मानी जाती है। इसके किनारे आपको घड़ियाल और मगरमच्छ बास्किंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। हाथी, सांबर, चीतल आदि वन्य पशु नदी पे अपनी प्यास बुझाने आते हैं। अराउंड 1-2 घंटों में बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ साइटिंग करते हुए आप पहुंचते हैं ढिकाला। यहाँ सैलानियों को रहने के लिए लगभग 30 रूम्स और 12 बेड की डॉर्मेट्री अवेलेबल है, लेकिन इनका ऑनलाइन बुकिंग 45 दिन पहले ही करना पड़ता है। पंछियों की सुरीली आवाज़ से सुबह आपकी नींद खुलेगी और खिड़की से आपको मस्त रामगंगा नदी का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा। लगभग 1293 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए इस नेशनल पार्क में पहाड़, नदियाँ, झरने, दलदली क्षेत्र, बड़ी झील और घास के मैदान जैसे अलग अलग आवास स्थल है। और यहीं से शुरुआत होगी आपके जंगल सफारी की। इस नेशनल पार्क में ज़्यादातर साल, हल्दू, पीपल, रोहिणी और आम के पेड़ हैं। ज़्यादातर साइटिंग आपको रामगंगा नदी के किनारे किनारे ही हो जाता है। गर्मी के सीज़न में प्यास बुझाने और शरीर को ठंडा करने के लिए वन्य पशु अक्सर नदी की तरफ आते हैं। पार्क में लगभग 50 मैमल्स यानी स्तनधारियों की प्रजातियां हैं। अगर आपका लक सही रहा तो आपको यहां हाथी, भालू, सुअर, हिरन, चीतल, सांबर, काकड़, नीलगाय, तेंदुआ आदि वन्य प्राणी दिखाई देंगे। इस नेशनल पार्क में लगभग 252 बाघ हैं। टेरिटरी मार्किंग करने के लिए बाघ जगह जगह स्प्रे के रूप में मूत्र छिड़काव करते हुए चलते हैं, जिसकी गंध 40 दिन तक रहती है। बाघ की आहट लगते ही समस्त प्राणी अलर्ट हो जाते हैं। इस पार्क का मुख्य आकर्षण बाघ ही है। लेकिन हर सफारी में उसके दर्शन होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं।
पार्क में उदबिलाव यानी ऑटर की 3 प्रजातियां दिखाई देती है, जिनमें यूरेशियन ऑटर, स्मूथ कोटेड ऑटर और स्मॉल क्लॉड ऑटर ये समाविष्ट हैं। उदबिलाव के पैर छोटे लेकिन स्ट्रांग होते हैं। नदी के किनारे किनारे ये अपना भोजन ढूंढते हैं। मछलियाँ इनका पसंदीदा खाना है। ये अच्छे तैराकू भी होते हैं। पलास फिश ईगल नदी के किनारे ऊंचे पेड़ पे घोंसला बनाते हैं। इस पार्क में वुडपेकर्स, ईगल्स, आउल्स, नटहैच, जंगल फाउल, बैबलर्स, पिजेंड, किंगफिशर्स आदि लगभग 600 से अधिक पक्षी प्रजातियां हैं। डिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के कैंपस में भी काफ़ी सारा बर्डिंग हो सकता है, सो खाना रेडी होने तक आप यहाँ बर्ड फोटोग्राफी का मज़ा ले सकते हैं। दोपहर की सफारी विंटर में 2 बजे से 6 बजे तक और समर में शाम के 7 बजे तक होती है। इसमें झील और झील के आसपास का घास का मैदान आप एक्सप्लोर कर सकते हैं।
घास के मैदानों में बड़ी तादाद में हाथी, चीतल, सांबर, हिरन, पाड़ा यानी हॉक डियर जैसे शाकाहारी प्राणी चरते हुए दिखाई देते हैं। इन्हीं घास के मैदानों में कभी कभी बाघ अपनी शिकार पाने के लिए घात लगा के बैठते हैं। झील के किनारे आपको छोटे छोटे ग्रासलैंड बर्ड्स जैसे कि पिपिट्स, लार्क्स, मार्टिन्स, लैपविंग्स दिखाई दे सकते हैं। काले घने बादल छाए हुए हैं। रिमझिम बारिश ने जंगल की चौखट पे दस्तक दी है। इसी के साथ नेशनल पार्क आने वाले बारिश का मौसम समाप्त होने तक सैलानियों के लिए बंद रहेगा।